वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में जो GSTR 9 की वीडियो सीरीज हम देख रहे हैं उसमें ये दो नंबर का वीडियो सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में विल सी द लाइव फॉर्म जो GSTR 9 GSTN के पोर्टल पे या GST.gov.in पे ऑलरेडी आ चुका है। सो जैसे मैंने पहले बोला था कि कुछ मल्टीपल वीडियो शायद रिकॉर्ड करने पड़ेंगे बिकॉज एक वीडियो अगर रिकॉर्ड करेंगे तो शायद वो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो विल बी रिकॉर्डिंग टेबल वाइज। सो नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये आपका डैशबोर्ड है। क्लिक ऑन सर्विसेस, गो टू रिटर्न्स एंड देन एनुअल रिटर्न। क्लिक ऑन एनुअल रिटर्न। नाउ यू कैन सी दैट एनुअल रिटर्न का फॉर्म जो है, सेलेक्ट द ईयर। आज जो हम डिस्कशन अभी करेंगे इट विल बी ओनली रिलेटेड टू 2017-18। क्लिक ऑन सर्च, ये आपके सामने बोर्ड खुलेगा एंड इट विल से कि निल रिटर्न अगर आपका है तो कब और कौन सी सिचुएशन में आपका निल रिटर्न हो सकता है, जो हेल्प में लिखा है। देन फर्दर इट सेज GSTR 9 कैन बी फाइल्ड ऑनलाइन, इट कैन बी प्रिपेयर्ड थ्रू एन ऑफलाइन टूल ऑल्सो एंड देन अपलोडेड ऑन द पोर्टल एंड फाइल्ड। देन फर्दर इट सेज एनुअल रिटर्न इन फॉर्म 9 इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाई एवरी टैक्स पेयर एज नॉर्मल टैक्स पेयर ड्यूरिंग द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। All applicable statements in form GSTR 1 and returns in form of GSTR 3B of the financial year shall have been filed before GSTR 9. ये बहुत important condition है। ये condition ये कहना चाहती है कि GSTR 9 अगर आपका एक भी GSTR 1 या एक भी GSTR 3B मार्च 2018 तक का pending होगा तो आप GSTR 9 नहीं भर सकते और आपको पहले GSTR 1 और GSTR 3B complete file करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको GSTR 9 फाइल करने का परमिशन दिया जाएगा। फर्दर इट सेज इन केस यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल GSTR 9C देन इट शैल बी इनेबल्ड ऑन द डैशबोर्ड पोस्ट फाइलिंग GSTR 9। तो 9C आपका पहले इनेबल होना चाहिए डैशबोर्ड पे, अगर वो इनेबल नहीं है तो प्लीज डू नॉट फाइल GSTR 9। वंस इट गेट्स इनेबल्ड देन ओनली यू फाइल द GSTR 9। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एनुअल रिटर्न GSTR 9, सिंस दिस रिटर्न is filed, so I it is the status is showing filed, otherwise it will not say filed, it will show the due date. और due date जैसे यहाँ आप देख सकते हैं due date 30/6/2019, यही 30/6/2019 यहाँ पर भी लिखा हुआ आएगा, but this return has already been filed, so it is showing filed, but we'll see the step by step कि कौन से tables हैं, उस tables में अपने को क्या भरना है। It says download GSTR 9 and view GSTR 9, so we'll try to view that. This is what you will see. आप जो first, second और third जो इसमें table में data है GSTR 9 का, वो आपके legal details आपसे पूछता है कि आपका नाम क्या है, आपका GSTR number क्या है, आपका legal name क्या है, आपका PAN based name क्या है, कौन से period का आप file कर रहे हैं। All those informations are being taken in table number 1, 2 and 3. We'll be starting from table number 4, जहाँ से आप ये entries push करनी है आपको। फ्रेंड्स जब आप टेबल नंबर 4 पे जाएंगे तो टेबल नंबर 4 ऑटो पॉपुलेट हो गया आपको दिखेगा। जब फर्स्ट टाइम आप टेबल नंबर 4 पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटो पॉपुलेट होके दिखेगा और वो ऑटो पॉपुलेटेड फिगर्स एडिटेबल फिगर्स होंगी, उनको आप एडिट कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ नोट में लिखा है द फील्ड्स वेयर द सिस्टम कंप्यूटेड वैल्यूज वुड बी मॉडिफाइड बाई मोर और लेस देन 20% शैल बी हाईलाइटेड इन रेड फॉर रेफरेंस एंड अटेंशन। Meaning thereby, if let's say it is being auto-populated at 1 lakh and if you are editing and making it 75,000, the difference is more than 20%, or if you are making is 1,25,000, the difference is more than 20%, and in that case it will be red marked. So ye jo column hai, ye jo field hai, is field mein red marking aa jayega, and which will be a trigger to you also, jahan pe aap उसको रीलुक कर सकते हो कि वेदर यू आर एंटरिंग द करेक्ट डेटा, यू आर मॉडिफाइंग इट करेक्टली और नॉट। सो वो एक सिस्टम का चेक दिया है जो उन्होंने नोट में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। नाउ लेट अस ट्राई टू सी कि टेबल 4 में क्या डिटेल्स आएंगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्लीज रीड द हेडिंग ऑफ दिस, क्योंकि मैं एज अ लॉयर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे पहले हेडिंग पढ़ने की कोशिश करूंगा कि उस हेडिंग में आपसे वो क्या रिक्वायरमेंट दे रहा है। ये बोल रहा है डिटेल्स ऑफ एडवांसेस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज made during the financial year on which tax is payable. Friends, आप appreciate करोगे कि आप लोगों को यह ध्यान होगा
39/2018 वो नोटिफिकेशन था 4 सितंबर 2018 का, जिसने फर्स्ट टाइम जीएसटीआर 9 का फॉर्म मार्केट में पब्लिश किया था। उस फॉर्म में और इस फॉर्म में शायद कंटेंट वाइज डिफरेंस नहीं है, लेकिन हेडिंग वाइज डिफरेंस है, एंड दैट हेडिंग डिफरेंस मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। आप यहां देख सकते हैं, इट सेज डिटेल्स ऑफ एडवांसेस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। और यही आप अगर 39/2018 में जो फॉर्म था वो अगर देखेंगे तो टेबल फोर की हेडिंग ऐसी नहीं थी। टेबल फोर की हेडिंग थी डिटेल्स ऑफ एडवांसेस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज डिक्लेयर्ड एंड रिटर्न्स फाइल्ड ड्यूरिंग द ईयर, मीनिंग देयर बाई वो इंटरप्रिटेशन करते तो उसमें यह था कि जो 17-18 में आपने रिटर्न्स फाइल किए वही डिटेल केवल यहां आएगी। अब अगर आपसे कोई एंट्री करनी छूट गई थी और वो आपने अभी तक नहीं की, यानी आज अगर लेट से 8 जून है और 8 जून को भी अगर वो एंट्री आप नहीं कर पाए थे, जीएसटीआर 1 में वो लायबिलिटी नहीं दिखा पाए थे, तो एनुअल रिटर्न में भी वो नहीं दिखा सकते, ऐसा पुराना फॉर्म बोलता था। लेकिन आज की डेट में इन्होंने क्या लिख दिया है, इन्होंने लिख दिया है मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मीनिंग देयर बाई ऑल द आउटवर्ड सप्लाईज, ऑल द इनवर्ड सप्लाईज और ऑल द एडवांसेस दैट यू हैव रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर और यू हैव मेड ड्यूरिंग द ईयर आर सपोज टू बी रिपोर्टेड हेयर। अब जब हम ये बात करते हैं तो शायद आप लोगों ने फॉर्म देखा होगा, आपका एक इमीडिएट क्वेश्चन आएगा कि दिस आई एम टेलिंग इज रॉन्ग। तो प्लीज अप्रिशिएट टेबल नंबर, इसमें एक और है जिसको हम बोलते हैं टेबल नंबर 10, विल सी लेटर दैट टेबल, बट दैट टेबल यहाँ पे डिस्कशन जरूरी है उस टेबल के बारे में, इसलिए आई एम डिस्कसिंग इट। टेबल 10 बोलता है कि जो 17-18 की आपकी सप्लाईज हैं वो अगर आपने 18-19 के रिटर्न्स में दिखाई हैं तो आप टेबल 10, 11, 12, 13 में दिखा सकते हैं। नाउ लेट अस टेक एन एग्जाम्पल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। और फ्रेंड्स, हम प्रेस रिलीजेज के भी कुछ क्वेश्चन जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट ऑल्सो, बट नॉट इन दिस वीडियो, विल हैव अ सेपरेट वीडियो फॉर द प्रेस रिलीज विच वॉज रिलीज ऑन 4th of June। अब दिस इज समथिंग विच इज टू बी नोटेड दैट इट वॉज नॉट अ नोटिफिकेशन, इट इज ओनली अ प्रेस रिलीज बाय द गवर्नमेंट, एंड हाउ प्रेस रिलीज इज लीगली टेनेबल या उसका लीगल सैंटिटी क्या है, आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट, बट स्टिल दे हैव क्लैरिफाइड सर्टन थिंग्स, दे हैव नॉट क्लैरिफाइड बाई वे ऑफ अ सर्कुलर बट बाई वे ऑफ अ प्रेस रिलीज, लेट अस सी वो क्या है। Give me some time, we'll be discussing that also in some later part of videos. यहाँ हमारा intention है table 4 को समझना। तो table 4 बोल रहा है कि जो भी आपकी outward supplies, inward supply जिस पे tax payable है या जो advances जिस पे आपकी tax payable है वो आपको table 4 में report करना है। Now table 4 में आप report करेंगे जो आपने 17-18 में supplies किए हैं। अब ऐसा हो सकता है सर कि आपके कुछ 17-18 के सप्लाईज आपने 18-19 में ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिए हों, तो गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि जो आपने ऑलरेडी 18-19 में डिक्लेयर कर दिया है उसको आपको टेबल 4 में नहीं डिक्लेयर करना, उसको आपको टेबल 10 में डिक्लेयर करना है। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि आपका टोटल टर्नओवर 5 करोड़ रुपया था 2017-18 का। अब इस टर्नओवर में से आपने 2017-18 के जब रिटर्न्स भरे तो आपने 3 करोड़ रुपए डिक्लेयर करके 3B GSTR 1 में डिक्लेयर करके आपने टैक्स भर दिया उसके ऊपर। जब 18-19 आया तो आपने फिर आइडेंटिफाई किया कि यार मेरे कुछ टर्नओवर छूट गए हैं और आपने 1.25 करोड़ का टर्नओवर और दिखा दिया, एंड यू हैव डिक्लेयर्ड दैट 1.25 करोड़, पेड टैक्सेस अकॉर्डिंगली, पेड इंटरेस्ट वॉट एवर वॉज एप्लीकेबल, यू हैव पेड दैट एंड कंप्लाइड विद द लॉ। अब आज जब आप इसको वेरीफाई कर रहे हैं, लेट से आज 9th June है, आप 9th June को जब आप देख रहे हो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो आपको दिख रहा है कि आपका टर्नओवर 5 करोड़ है, उस 5 करोड़ के टर्नओवर में केवल 3 करोड़ आपने 17-18 में दिखाया है, 1.25 करोड़ आपने 18-19 में दिखाया है, इन टोटल आपने 4.25 करोड़ का डिस्क्लोजर किया है अभी तक के रिटर्न्स में। इट मीन्स कि 75 लाख का ऐसा टर्नओवर है जो आज तक आपने नहीं दिखाया, या आप दिखाना भूल गए, या देयर मे बी एनी रीजन बिकॉज ऑफ विच those turnovers are not declared. So what you need to do, where you can show that. So in short, आप ये समझ लें कि जो आपने 18-19 में दिखाया वो turnover आपका table 10 में जाएगा, और इसके अलावा का total turnover जो आपने returns में दिखाया था
या जो नहीं दिखाया था, यानी मेरे एग्जाम्पल में 3 करोड़ जो आपने दिखा दिया और 75 लाख जो आपने नहीं दिखाया, वो आपका टेबल नंबर 4 में जाएगा। एंड उस 75 लाख रुपए की जो एडिशनल लाइबिलिटी आएगी, वो कैसे पेमेंट करनी है, विल बी डिस्कसिंग दैट जब हम ये वीडियो को के बाद के वीडियोज़ में, जब वो टेबल्स पे हम टैक्स पेबल और टैक्स पेड के टेबल्स पे हम जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये टेबल 4 का इंट्रोडक्शन था। इसके इंट्रोडक्शन के अलावा, बिकॉज टाइम इज़ वेरी लेस और हम बहुत लंबे वीडियोज़ नहीं बनाना चाहते, सो उस टेबल को डिटेल में क्लॉज बाय क्लॉज विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट वीडियो। इन शॉर्ट, आई एम अगेन रिपीटिंग, एक क्वेश्चन का आंसर मैंने इस वीडियो में दिया है। आई होप यू हैव गॉट दैट आंसर। अभी तक एक क्वेश्चन जो हमारे पास रेगुलर हर सेशंस में या हर जगह आता था पूरी इंडिया में, वो ये था कि सर, जो GSTR 9 हमको भरना है, उसका बेस क्या रहेगा? वेदर इट विल बी GSTR 1, वेदर इट विल बी GSTR 3B, और वेदर इट विल बी सम अदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो द आंसर माई फ्रेंड्स इज, यू नीड टू रिकनसाइल योर GSTR 9 विद योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल्सो। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो आपकी एक्चुअल टर्नओवर है, वो आपके GSTR 9 के टर्नओवर से मैच करनी चाहिए एज पर मी, एंड देयरफॉर यू शुड टेक दोज फिगर्स फ्रॉम योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड देन सी कि वॉट यू हैव डिक्लेयर्ड इन GSTR 1 and 3B एंड वॉट यू हैव नॉट डिक्लेयर्ड इन GSTR 1 and 3B। वॉट एवर इज नॉट डिक्लेयर्ड इन GSTR 1 and 3B, प्लीज डिक्लेयर दैट इन Table 4। ऑल्सो वॉट एवर यू हैव डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग 17-18, प्लीज डिक्लेयर दैट इन Table 4। And whatever you have declared in 18-19, please declare that in table 10 and table 11, whichever is applicable. So my dear friends, this was video number 2 on series for GSTR 9 discussion. For the time being, thank you. Thank you very much.